आख्यान है जिसे वस्तुतः एक बार फिर मैं यही बात कहूँगी कि भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में हम सबको देखना चाहिए। अगर हम श्रीमद् भगवद् गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में देखते हैं तो ये सच मानना कि आज भी भारत का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। भारत का भविष्य इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि हमने वास्तविक इतिहास को छुपा दिया है। हम लोग गुलामी के जंजीरों में आज भी इस कदर जकड़े हैं कि जिन्होंने हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरों के आगे सर नहीं झुकाया था, नन्ही सी उम्र में अपने आप को दीवाल में चिनवा लिया था, उन वीर बालकों की जीवंत कहानी को किसी स्कूल में नहीं उतारा जाता कि उसकी आंखों में आंसू आए थे तो बड़े ने पूछा, तू दुखी है? नहीं, उसने कहा, नहीं। तो फिर तेरी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो वो बोला, भैया जीवन को मातृभूमि के लिए जब हम समाप्त कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला बलिदान मेरा ही है, इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूँ। और बड़े भाई ने छोटे को धीरे से अपने हृदय से लगा लिया था। दुनिया की सब चीज़ों की चिंता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने की चिंता है, गद्दी पर कैसे बैठ जाएं, देश को लूट के कैसे खा जाएं, इस बात की चिंता है। लेकिन इस बात के लिए सोचा कि जो देश के लिए लड़े कम से कम अब तो उन्हें दीवार से बाहर निकाल कर उनकी अस्थियों को, उनके फूलों को सम्मान दे दो, कम से कम अब तो इतना करो। लेकिन आज भी उस दीवार में से मातृभूमि के उन वीर लाडलों को निकाला ही नहीं गया, अभी तक उनकी अस्थियां उसी दीवार में न जाने उन्हीं मुगलों के हाथों दबी हुई न जाने क्या सोचती होंगी कि जिनके लिए हम मरे उनको तो हमारी याद भी नहीं है। किसी स्कूल में किसी बालक को ये जीवंत करके नहीं दिखाया जाता कि मातृभूमि के लिए किन्होंने कैसे कैसे कष्ट पाए, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अनंत पीड़ाएं सही, उन पीड़ाओं को भुलाया गया। उन पीड़ाओं को भुलाया गया इसीलिए इस देश का भविष्य अंधेरे में है। कहते हैं ना, सोना तपके ही कुंदन बनता है। कोई जमीन देखकर आता है ना, मिट्टी देखकर आता है, तब उसे आसमान की ऊंचाई की वैल्यू पता होती है। सोने की चम्मच लेकर जो पैदा हुआ है उसे क्या पता भूख किसे कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं, मिट्टी में जीना किसे कहते हैं, नहीं पता उसे। और जिसे वास्तविकता नहीं पता जीवन की, जिसे दर्द नहीं पता जीवन का, उससे
क्या आशा करोगे कि ये कुछ श्रेष्ठ कर सकता है? नहीं, जब तक भारत के भविष्य को इस दर्द के विषय में बताया नहीं जाएगा, इस पीड़ा के विषय में बताया नहीं जाएगा जो हमारे देश के महापुरुषों ने सही है, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर सिर पर पगड़ी बांध ली मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनको याद नहीं करोगे? भारत का ऐसा कौन सा कोना था, उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के किसी भी राज्य को, किसी भी कोने को टटोलना, और जो अब टुकड़े हो गए हैं वहां तक देखना, मातृभूमि की रक्षा के लिए अनंत पीड़ा सही गई है। जब तक उस पीड़ा को बच्चों के रक्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तब तक भविष्य की रोशनी प्रकट नहीं होगी। भारत के भविष्य की रोशनी प्रकट करनी है तो उस दर्द को याद दिलाना ही पड़ेगा, उस पीड़ा को महसूस कराना होगा। जो बच्चे पिज़्ज़ा में, दोस्तों के साथ पार्टी में, इधर उधर घूमने घामने में, मोटरसाइकिल चाहिए, महंगा मोबाइल चाहिए, और भी बड़ी बड़ी मांगे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, उन बच्चों को ये बताना ही होगा कि तुम्हारे माता पिता ने ये धन अपने खून को पसीना बनाकर बहाकर प्राप्त किया है। मैं तो कहती हूँ किसी भी माता पिता को अपने बच्चे से अपनी जीवन के दर्द को छुपाना नहीं चाहिए, ताकि उसे पता हो भूख किसे कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं, मेहनत किसे कहते हैं, खून का पसीना बन जाना किसे कहते हैं।